गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वीटी कुमारी ऑफिशियल पे। तो यह सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करते करते सुंदर सा नज़ारा देख रही हूँ। देखिए, ये मेरे घर के बालकोनी का नज़ारा है, आगे वाली बालकोनी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ देखिए, ये पुटोनिया फ्लावर कितना अच्छा खिला है। और यहाँ पर देखिए, ये गेंदा का फूल है, ये बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए, यहाँ पर बटरफ्लाई, पर्पल बटरफ्लाई बोलते हैं इसको। तो ब्रश करके मैं यहाँ चाय पीने के लिए आ गई। उसके बाद फिर से यहाँ अपने बालों में तेल लगा रही हूँ। ठंड के मौसम में बालों में बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है और बाल बहुत ड्राई सा हो जाता है, इसीलिए तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने बालों में डाबर आंवला सरसों तेल लगाती हूँ। ये मेरे बालों को बहुत झड़ने से रोकता है और बहुत ही अच्छा, मेरे बालों को बहुत अच्छा रखता है। देखिए, यहाँ पे अब मैं बर्तन सारे क्लीन कर लूँगी, किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी। यहाँ मेरे बर्तन धुल गए और मैं यहाँ पे गैस की सफाई कर रही हूँ। गैस की सफाई करते करते फिर यहाँ पे अच्छे से स्लैब को साफ कर लूँगी। अगर किचन के स्लैब पे कुछ गिर जाता है तो बहुत ही मुश्किल होता है, उसको रगड़ रगड़ के एकदम अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो वो चिपक जाता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है उसको निकालने में। देखिए, यहाँ पे मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है, तो अब मैं सिंक की सफाई कर दूँगी। अच्छे से यहाँ पे सिंक की सफाई कर रही हूँ और यहाँ पे मैं हाथ क्लीन करके उसके बाद यहाँ इंडक्शन पर चावल चढ़ा दूँगी। यहाँ पानी गर्म होने के लिए रख दिया, इधर दाल चढ़ाऊँगी। उसके बाद यहाँ देखिए, मेरे घर में आया आज सुबह सुबह सब्जी, बीन्स है, फूलगोभी है, शिमला मिर्च है। इधर देखिए, यहाँ भी इतनी सारी सब्जियाँ आई है। अब मैं इन सारी सब्जियों को, बीन्स को सबसे पहले मैं पोलोथीन में डाल के उसके बाद फ्रिज में डालूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि बीन्स सूखेंगे नहीं, नहीं तो ज़्यादा दिन तक रहने से बीन्स सूखने लग जाते हैं, इसलिए इसको प्लास्टिक में डाल के रखने से ये सूखते नहीं हैं और ज़्यादा दिन तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब मैं सारी सब्जियों को प्लास्टिक में डाल के उसके बाद यहाँ पे देखिए, गोभी और मूली है। ये बहुत ही बड़ा गोभी था, तो फूल गोभी था, तो मैं सोची आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए, उसके बाद सब टमाटर और गाजर को अलग करके उसके बाद सबको फ्रिज में अच्छे से रख दूँगी। फिर यहाँ देखिए, मैं और मेरे हस्बैंड दलिया खा रहे हैं बालकोनी में। बहुत ही अच्छा धूप था, तो सोचा ठंड के मौसम में धूप में खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। उसके बाद यहाँ खाने की तैयारी हो गई है। देखिए, यहाँ पे बैंगन की सब्जी बनी है, तरी वाली, बहुत ही टेस्टी सब्जी। मेरी जेठानी जी ने ये सब्जी बनाई है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई थी। देखिए, तो अब मैं यहाँ पे नारियल की चटनी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं नारियल को अच्छे से छील लूँगी, फिर उसे मिक्सी के जार में काट काट करके डाल दूँगी, क्योंकि काट लेने से क्या होता है कि वो बीच बीच में फंसते नहीं हैं, और नहीं फंसेंगे तो अच्छे से पिसाएंगे, नहीं तो मिक्सी के जार में पिसाता ही नहीं है, इतना मतलब हार्ड होता है नारियल की हम लोग को दिक्कत होता है। तो बहुत ही ज़्यादा नारियल हो गया था, तो मैंने इसे दो बार में हल्का हल्का पानी डाल करके पिसा और फिर इसमें दही मिक्स करके दही को मिक्स कर दिया। और जितना आपको दही चाहिए आप उतना ही दही मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दही डाल दी हूँ और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल रही हूँ ताकि थोड़ा ग्रेवी जैसा हो जाए तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे नमक डाल के अच्छे से उसे मिला लिया और फिर यहाँ पे अब मैं उसे छौंका लगाने की तैयारी कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने गैस पे छोलनी डब्बू चढ़ा दिया है और उसमें तेल डालूँगी, फिर थोड़ा सा सरसों डालूँगी, मिर्ची डालूँगी और उसके बाद इसे छौंका लगाने के लिए अच्छे से गैस पे थोड़ा गर्म होने के बाद इसको छौंका लगा के मिला लूँगी। लेकिन यहाँ पे फिर मैं रूम में आ गई और मेरा रूम पूरा बिखरा पड़ा था, तो मैंने सोचा रूम को अच्छे से समेट लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे रूम समेटने लगी। रूम समेटने के बाद मैं नहाने चली गई। वहाँ से आके फिर मैंने सबके लिए खाना निकाला। तो हमारे यहाँ दाल में नमक बाद में पड़ता है, क्योंकि थोड़ा दाल दोनों कुत्तों के लिए निकाल लेते हैं हम, लियो और साडो के लिए, क्योंकि उन्हें नमक वाली दाल नहीं दी जाती है इसीलिए। तो यहाँ पे मैं पापा जी के लिए खाना निकाल रही हूँ। पापा जी के लिए खाना, हमारे यहाँ थाली में ही दाल खाई जाती है, इसीलिए सब
चावल के ऊपर दाल, उसके बाद सब्जी, और इधर मैं फिर मेरी दादी के लिए भी, दादी सास के लिए भी खाना निकाल रही हूँ। इधर मैं नारियल की चटनी डाल दी, उसके बाद फिर बैंगन की सब्ज़ी डाल रही हूँ। ये देखिए बैंगन की सब्ज़ी तरी वाली, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है, बनती है। अब कभी मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को दूँगी, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है ये। जब हम लोगों ने खाया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगा, बहुत ही मज़ा आया खा के सब्ज़ी को। तो मैं यहाँ पे दादी जी को खाना देने के लिए चली गई। आप लोगों में से किसने इस तरह की सब्ज़ी खाई है मुझे कमेंट में करके बताएं। देखिए यहाँ पे मैंने खाना निकाल लिया, और आप लोग बताइएगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।